हाय फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे क्लाइमेट कूल सिस्टम चैनल को, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, मैं अब्दुल हफीज़, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल क्लाइमेट कूल सिस्टम। आज मैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको एसी यानी जो एयर कंडीशनिंग के अंदर जो कंप्रेसर रहता है वो कितना एम्प्स लेता है, मैं आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। यानी जो सिंगल फेस कंप्रेसर ले लीजिए या थ्री फेस कंप्रेसर ले लीजिए। यानी जो सिंगल फेस यानी जो है एक फेस जो इसके अंदर रहता है उसको हम बोलते हैं सिंगल फेस, और थ्री फेस यानी जो तीन फेस हम जिसके अंदर रहती उसको हम थ्री फेस बोलते हैं। यानी जो सिंगल फेस के अंदर जो हम खाली सिंगल फेस को जो है क्लाइमेटर लगाकर एम्प्स सेट करके जो एम्प्स चेक करते हैं, अगर थ्री फेस के अंदर हम देखते हैं जो तीनों फेसों के अंदर क्लाइमेटर लगाकर इंडिविजुअल एक एक को जो है हम एम्प्स चेक करते हैं। मैं आपको जो उसमें से एक एक जितना कंप्रेसर कितना एम्प्स लेता है मैं आपको बताऊंगा, ये मैं आपको जो डिटेल से आपको बताऊंगा। पहले ले लीजिए आप सिंगल फेस कंप्रेसर। यानी जो सिंगल फेस के अंदर भी दो टू टाइप्स ऑफ एसी रहती है, यानी जो एक नॉन इन्वर्टर एसी, एक होता है इन्वर्टर एसी। नॉन इन्वर्टर के एसी जो है थोड़ा एम्प्स ज़्यादा लेता है, इन्वर्टर एसी थोड़ा एम्प्स कम लेता है, क्योंकि जो ये डीसी कंप्रेसर से चलते ये हमारा एसी कंप्रेसर से करंट से चलती एम्प्स लेगा। सबसे पहले हम ले लेंगे जो नंबर वन पर मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, आप मैं आपके वास्ते बना कर रहा चार्ट, आप देख रहे हैं। आपको मैं 0.8 से शुरू कर रहा हूँ, यानी जो जरे ब्रांड के अंदर 0.8 से शुरू हो जाता है एसी का कंप्रेसर, जरे ब्रांड से जो 1 टन से शुरू होता है, इसीलिए मैं 0.8 से शुरू कर रहा हूँ। नंबर वन पर है 0.8 का कंप्रेसर जो है हमारा लेगा लोड एम्प्स 4 to 5 amps लेगा, लोड एम्प्स जो विदाउट नॉन इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर जो है 4 to 5 amps लेगा, और विदाउट लोड जो है 3 to 4 लेगा, 3 to 4 विदाउट लोड। और दूसरे नंबर पर है हमारा जो है 1 टन का कंप्रेसर 4 to 6 amps लेगा, और विदाउट लोड जो है 4 to 5 amps लेगा। और तीसरे नंबर पर है हमारा जो है 1.5 टन का कंप्रेसर 8 to 9 amps लेगा, और विदाउट लोड जो है 6 to 7 amps लेगा, 6 to 7 amps और विदाउट लोड लेगा। और चौथे नंबर पर हमारा 2 टन का कंप्रेसर, ये लेगा हमारा 10 to 11 amps लोड एम्प्स लेगा, और विदाउट लोड जो है हमारा जो है 8 to 9 amps लेगा। ये हो गया हमारा जो है एसी या नॉन इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर का लिस्ट है। ये 2 टन तक हमारा सिंगल फेस रहता है, और उसके बाद जो 3 फेस शुरू हो जाता है। अब मैं आपको दूसरा दिखा रहा हूँ, आपको जो नॉन इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर जितना एम्प्स लेगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सबसे पहले मैं इसके अंदर शुरू कर रहा हूँ 1 टन से। 1 टन का जो कंप्रेसर लेगा हमारा लोड एम्प्स जो है 3.5 से लेकर 4.5 तक लेगा। 1 टन का कंप्रेसर 3.5 से लेकर 4.5 तक जो है लोड एम्प्स लेगा, विदाउट लोड जो है 2.5 से 3.5 लेगा। और दूसरे नंबर पर है 1.5 टन का कंप्रेसर 5 to 6 amps लेगा, विदाउट लोड जो है 3 to 4 लेगा। और तीसरे नंबर पर है 2 टन का कंप्रेसर 7 to 8 amps लेगा, और विदाउट लोड जो है हमारा 5 to 6 amps लेगा। ये हो गया हमारा सिंगल फेस कंप्रेसर, यानी नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर, इन्वर्टर कंप्रेसर का एम्प्स मैं आपको बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा थ्री फेस कंप्रेसर। यानी जो थ्री फेस कंप्रेसर स्टार्ट होते हैं 2.5 से, जरे ब्रांड के अंदर 2.5 से शुरू हो जाते हैं, जरे ब्रांड के अंदर जो है 4 से 5 से शुरू होते हैं। एक एक ब्रांड के अंदर एक एक रकम से रहता है। मैं आपको जो 2.5 से शुरू कर जो है 11 टन तक मैं आपको बताऊंगा। 11 टन से आगे भी है, 20 टन है, और इससे भी आगे है, लेकिन मैं आपको 11 टन तक मैं आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले नंबर वन पर है, मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, 2.5 टन का कंप्रेसर लोड एम्प्स जो है 4 to 5 amps लेगा। ये जो है एक फेस के अंदर इतना एम्प्स लेगा, आप तीन फेस के अंदर चेक करना है। मैं एक फेस के अंदर जितना एम्प्स ले रहा मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक एम्प्स जो है 2.5 टन का कंप्रेसर 4 to 5 amps लेगा लोड एम्प्स, विदाउट लोड जो 2 to 3 amps लेगा। और दूसरे नंबर पर हमारा 3 टन का कंप्रेसर, ये हमारा लेगा लोड एम्प्स 5 to 6 amps, विदाउट लोड जो लेगा 3 to 4 amps। और चौथे नंबर पर हमारा 4 टन का कंप्रेसर, ये हमारा लेगा 6 to 7 amps लेगा, विदाउट लोड जो लेगा 4 to 5 amps लेगा। और 5 नंबर पर है हमारा जो है 5.5 टन का कंप्रेसर, 8.5 टन से लेकर जो है 8.5 से लेकर जो 9.5 amps तक लेगा। यानी जो 5.5 टन का कंप्रेसर 8.5 amps से लेकर 9.5 amps तक लेगा, और विदाउट लोड जो है 6 to 7 amps लेगा, 6 to 7 amps। और 6 नंबर पर है हमारा जो है 8.5 टन का कंप्रेसर, ये लोड amps लेगा 11 to 12 amps लेगा, विदाउट लोड जो है 8 to 9 amps लेगा। और 7 नंबर पर है हमारा 11 टन का कंप्रेसर 14 to 15 amps लोड amps लेगा, विदाउट लोड जो 10 to 11 amps लेगा। ये हमारा हो गया दोस्तों कंप्रेसर का amps। मैं आपको दोनों भी बता दिया, लोड amps भी बता दिया, विदाउट लोड भी बता दिया, सिंगल फेस भी आपको मैं amps बता दिया, थ्री फेस का भी amps बता दिया। एक दोस्तों आप ध्यान में रखना है,
क्योंकि जो हम एम्स जो चेक करते हैं वोल्टेज जितना रहता है उतना एम्स हमारा पता चलता है। अगर आपका वोल्टेज कम रहा तो कम एम्स लेगा, ज़्यादा रहा तो ज़्यादा लेगा। लेकिन हमको एक ये चेक करना है कि जो इक्वल रहना है वोल्टेज जो है इक्वल रहना है, यानी जो 190 से लेकर जो 230 तक जो वोल्टेज जो है इसके दरमियान रहना, यानी जो इसके सेंटर में जो हमारा जो ये वोल्टेज रहे दरमियान में रहना है। जो 200 रहा तो अच्छा है, अगर 230 रहा तो और अच्छा है, यानी जो 180 से नीचे नहीं जाना है, 230 के ऊपर नहीं जाना, इसके बीच दरमियान में रहना है। इसके दरमियान में रहा तो हमारा एसी जो है इक्वल से अच्छा है, कूलिंग देगा और अच्छी तरह से चलेगा। ये था दोस्तों एम्स, जिसे आपको जो मैं जितनी आपको मैं बताया हूँ। प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को जो दूसरों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो दूसरों को भी इसको बताइए।